नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, हम दिवाली के आसपास हैं और दिवाली के उपलक्ष्य में अगर हम ये ना पता कर पाए कि बाजार कहाँ जाने वाला है, ये एक्सपायरी में पहले ही बहुत कम दिन है हमारे पास में, दीपावली है, मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो बाजार ऐसे कौन से लेवल्स में रहने वाला है, हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, 21 अक्टूबर की बात है और आज हमने ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड नहीं लिया, एक भी सिंगल ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि फ्राइडेज के जो डे होते हैं वहां पे जनरली ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेटेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड होते हैं, ये प्राइस ऐसे होते हैं जहां पे आप ट्रैप हो सकते हैं। और आज मार्केट की जो मूवमेंट थी बहुत ही खराब थी, आप देख सकते हैं निफ्टी सिर्फ गिनी चुनी मूवमेंट में ही आज बाजार चला है और बाजार ने हर लेवल पे लोगों को ऑप्शंस में ट्रैप किया होगा। ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको प्राइस को पता होना बहुत जरूरी है, आपको पता होने चाहिए लेवल्स कहां पे है। ट्रेडिंग में मेंबर्स तो बहुत फायदा उठा रहे हैं दोस्तों, वो क्या कर रहे हैं आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूं, बट पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, फिर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और फिर उसके बाद मैं आपको एक ऑफर देने वाला हूं जो ट्रेडिंग रूम डिस्काउंट से भरा हुआ है। जी हाँ, दिवाली के उपलक्ष्य में आपको ट्रेडिंग रूम पे डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। क्या ऑफर मिलने वाला है और किस किस को मिलने वाला है, कौन एलिजिबल होंगे, उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, सब चीजें बताएंगे इस वीडियो के अंदर में। बट पहले हम देख लेते हैं कि बाजार कैसा रहने वाला है, ये एक्सपायरी कैसी हुई। जहां पे एक्सपायरी पे ट्रेडिंग दिन बहुत ही कम है वहां हमें अगर ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल्स पे ट्रेड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के बाजार को दिखाए तो आज की कैंडल को दिखाए तो बहुत ही एक इनडिसिजन काइंड ऑफ कैंडल थी। बाजार ऊपर भी गया, नीचे भी आया, हम बहुत क्लियर थे कि बाजार नीचे आ सकता है, 500 रुपए के आसपास आ सकता है। वही निफ्टी ने 520 के आसपास का लो लगाया, उसके बाद बाजार फिर दोबारा से 580 के आसपास क्लोजिंग हुई। बट लास्ट मिनट की जो ट्रेडिंग थी ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी आज पूरे दिन जिस तरह से ट्रेड की है वो बहुत ही अलार्मिंग था। दोस्तों, बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड किया, बैंक निफ्टी को लगा कि भाई जैसे आज सारे ट्रेड आज ही मार दो, बाजार के सारे भाव आज ही छू लो, शायद कल होना हो, है ना। तो यहां पे बैंक निफ्टी सिंगल साइड मूवमेंट देखने को मिली, बहुत ही क्लियर कट बाजार तेज रहा। बट आपको बताऊं, क्लियर सी बात थी कि बैंक निफ्टी के ऊपर जाने के रीजन हो सकता है रुपए का थोड़ा कमजोर होना हो सकता है, बट रुपी कितना कमजोर है, अभी भी 82 के आसपास तो चल ही रहा है, 82.80 के आसपास तो चल ही रहा है, तो अलार्मिंग तो है। दिवाली सीजन है तो बैंक से चांदी हो सकती है, लोग लोन ले रहे होंगे, बट ये लोन जो ले रहे हैं डिसबर्स हो रहे हैं, जो बैंक कमाएंगे वो अगले क्वार्टर में नजर आएगा। तो दिवाली के उपलक्ष्य बैंक से जो धमाका देखने की कोशिश की, वहीं बैंक आज 41,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को टच किया, वहां पे हमने सेलिंग की थी, बहुत ही क्लियर थे कि हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट ले सकते हैं और वही पुट ने बहुत अच्छे पैसे हमें बना के दिए। दोस्तों, ट्रेडिंग रूम के मेंबर्स कैसे पैसे बनाए चले एक झलक देख लेते हैं। ये हमारे ट्रेडिंग रूम, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे लोगों के स्क्रीनशॉट आते हैं, 7,530 रुपए ये इंट्राडे पोजीशंस हैं लोगों की, देखिए 1,500 रुपए किसने कमाए, 2,000 रुपए, 5,646 रुपए, 5,000 रुपए और 14,000 रुपए, 3,600 रुपए, 17,000 रुपए, 4,100 रुपए। कोई एडिटिंग नहीं है गाइस, बिल्कुल भी कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल लाइव है ये। आप हमारे ट्रेडिंग रूम को ज्वाइन करके देख सकते हैं, 45,000 रुपीज, 2,800 रुपीज, जैसा कैपिटल आप लगाते हैं वैसे आप पैसे कमाते हैं, 2,600 रुपए ये लोगों की कैपिटल इन्वेस्टेड के ऊपर में रिटर्न है, 10,000 रुपए कहां जहां आप ट्रेडिंग करते हैं। आज हमने कोई ट्रेडिंग की, कल के ट्रेडिंग के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट हमने आज कोई ट्रेडिंग नहीं की, क्योंकि हम बाजार में कंसर्न थे, कभी कभी ट्रेड नहीं भी करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी के जो लेवल्स बन रहे हैं, अगर आपको ये ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर भी चल रहे हैं, आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग रूम को कैसे ज्वाइन करना है वो आपको पता लग सकता है। यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो लेवल्स जो आने वाले हैं जहां बाजार काम करेगा वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। समझ लीजिए, बाजार में अगर निफ्टी को देखने की कोशिश करें तो निफ्टी 583 के आसपास क्लोजिंग हुई, यहां पे बाजार ने एक रिजेक्शन दी 670 के बाद से। 670 के पास में हमारे पास में एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो हमने पहले ही ये मार्क करके रखा था, 690 के आसपास में हम लोगों ने इसको पहले ही मार्क कर दिया था, क्योंकि हमारे पास में टीटीसी है, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, जो मैंने ही बनाया, जो मेरे स्टूडेंट्स को फ्री मिलता है। 689 का हमारा साइकोलॉजिकल लेवल था, 670 के आसपास में बाजार गया, वहां से बाजार ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की और हम वहीं श्योर हो गए थे बाजार नीचे आने वाला है। ऑप्शन चेन का डेटा बहुत ही क्लियर बोला था, हम कोई प्राइस एक्शन नहीं करते हैं, हम कोई भी प्योर प्राइस एक्शन या हम कोई इंडिकेटर्स कुछ भी एनालिसिस यूज नहीं करते, हम बात करते हैं सिर्फ ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से बाजार 550 के नीचे आना चाहिए था, जो आया सेकंड हाफ के बाद आया, 2 बजे के बाद आया, वहां से 520 के आसपास में एक ट्रेड बनता था, कम से कम 40 से 50 पॉइंट का। आपको मालूम है जब भी मेजर सपोर्ट पे निफ्टी ये हिट करती है तो वहां से 40 से 50 पॉइंट का निफ्टी का ट्रेड इंट्राडे में मिलता ही मिलता है, जिसकी सक्सेस रेट 95% से ज्यादा है। और हमारे सभी ट्रेडिंग रूम मेंबर्स सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, इसलिए हर आदमी कोई ना कोई पैसे बना के उठता है अपने अपने कैपिटल के हिसाब से। यहाँ पे देखिए निफ्टी 583 के आसपास क्लोज हुई है, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल था, 600 का एक रेजिस्टेंस है, मार्केट उसके नीचे क्लोज हुई है और यहाँ पे 500 का एक सपोर्ट है। तो बाजार कल कैसे ट्रेड करता है, कल लगता है कि जैसे दिवाली मुहूर्त की अगर हम बात करें तो मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर बाजार खुलता है तो अगर 556 के लेवल को निफ्टी ने, 17,556 के लेवल को अगर बाजार ने मेंटेन किया तो हम सोचेंगे कि बाजार अपसाइड में रहने वाला है। पर अगर 556 के लेवल को इस बार निफ्टी ने थोड़ा सस्टेन किया इसके नीचे, तो हम निफ्टी में
400 के लेवल को भी देखने की कोशिश करते हैं, और 420 के आसपास का एक लेवल होगा जहां पे हम बाइंग तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा जो ट्रेड रहेगा वो 420 रुपए के आसपास में रहेगा अगर 556 को ब्रेक करती है। ऊपर जाने के लिए निफ्टी को 689 को क्रॉस करना होगा, सस्टेन करना होगा, वॉल्यूम्स करनी होगी, डिसाइसिव ट्रेडिंग करनी होगी, तो उसके बाद ही बाजार ट्रेड करेगा। तो कल अगर 580 के आसपास खुलता है, कल 620 के आसपास खुलता है तो क्या करना चाहिए, 650 के आसपास खुलता है तो क्या करना चाहिए, अगर बाजार 650 के ऊपर खुलता है तो सेल ऑन राइज ही रहेगा, 700 के ऊपर बाइंग नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक हम डेटा हमारा बिल्कुल भी बेरिश है, वो बिल्कुल भी बुलिश डेटा नहीं है। तो अगर बाजार उसके नीचे रहता है तो अच्छी बात है, हम सेल ऑन ट्रेड ले सकते हैं 700 के स्टॉप लॉस के साथ में। नीचे में अगर 556 के नीचे ट्रेड करता है तो 556 के स्टॉप लॉस के साथ में सेल का ट्रेड ले सकते हैं, बट 500 एक नियर बाय सपोर्ट रहेगा, 500 के आसपास बाइंग करने की कोशिश करेंगे, बट वो मूव ज्यादा सस्टेन नहीं करेगी, 30-40 पॉइंट्स की मूव रह सकती है। 500 को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बट जिस हिसाब से बाजार कल ओपनिंग में कल मींस मॉर्निंग ट्रेडिंग में 556 से नीचे अगर वॉल्यूम बेस सेलिंग होने लगी तो 424 कम से कम आना ही है। तो ये एक्सपायरी हो सकता है 400 रुपए के आसपास की एक्सपायरी हो, या उसके पास जो भी ट्रेड होगा, जो भी लाइव ऑप्शन चेन डेटा हमें कहेगा, हम उस पर रिलीव करने वाले। कोई भविष्यवाणी नहीं करनी है कि बाजार ऐसा होगा तो क्या करेंगे, हमें बाजार के डेटा को डेली देखना है, लाइव मार्केट में देखना है, जैसा डेटा कहेगा हम वैसा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो 41,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर में है, समझ लीजिए। बैंक निफ्टी 41,000 का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है, बट जिस हिसाब से बैंक्स ने आज रैली दिखाई है, एक अच्छी खासी क्लोजिंग बाजार में दी है, बट यहाँ पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 40,800 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी, जो हमने दिन में मार्क किया था। 40,800 के ऊपर जब तक बाजार है ठीक है, 40,800 के नीचे जैसे ही बाजार आएगा, बाजार में एक सेलिंग स्टार्ट हो सकती है, और नीचे में 600 का उसके बाद एक सपोर्ट रहेगा। 600-800 के बीच में अगर बाजार टाइम स्पेंड करता है और ऑप्शन डेटा अगर हमें कहेगा कि बेरिश है तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे, और निफ्टी अगर ये ब्रेकआउट देती है, ब्रेकडाउन देती है, तो 40,500 के आसपास तक का भी बाजार एक प्राइस छू सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो कल की क्लोजिंग थी 40,100 के आसपास की, और उस पे जो आज की ओपनिंग हुई 40,350 की, एक गैप है जो बचा हुआ है, हो सकता है बैंक निफ्टी इसको क्लोज करे या ना भी करे, बाजार की मर्जी है, बाजार से बड़ा सुप्रीम कोई भी नहीं है। हम मंडे के दिन देखेंगे मॉर्निंग ट्रेडिंग में कैसा एक्शन प्राइस में देखने को मिलता है, और क्या ऑप्शन डेटा कहता है, ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहता है, उसी के बेसिस हम ट्रेड लेने वाले हैं। बट अभी 40,100 के आसपास में हम सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं, और 40,800 के आसपास में एक छोटी सी रेंज बाउंड बाइंग हो सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 740 एंड बिलो। अब देख लेते हैं कि आपके ट्रेडिंग रूम को ज्वाइन करने के लिए क्या डिस्काउंट्स, क्या दिवाली ऑफर आपके लिए लेके आओ। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों आपके लिए ये दिवाली ऑफर है जो वैलिड रहेगा अभी 24 अक्टूबर की मिडनाइट तक। जी हाँ, दिवाली की रात तक आपके लिए ऑफर रहने वाला है। जो मंथली सब्सक्रिप्शन है जो 6,666 का, उसका डिस्काउंट आपको दिया जाए 10% के आसपास का, जो 6,000 में आपके लिए अवेलेबल होगा। क्वार्टरली डिस्काउंट जो 15,000 में आपको पैकेज अवेलेबल था, उसको फर्दर डिस्काउंट करके 14,100 के आसपास रहे। अब आप कहेंगे तो 50% डिस्काउंट दे दीजिए, जो अच्छी चीज़ें होती हैं महंगी होती हैं, और फिर भी ये उतना भी महंगा नहीं है। 6,000 की बात करें तो रोज के 200 रुपए आपको मिलते हैं एक्सपर्ट कमेंट्री के लिए। 200 रुपीज में आपको फुल डे लाइव हैंड होल्डिंग रहेगी, आपको ये बताया जाएगा कि ट्रेड कहां लेना है और कहां नहीं लेना है, क्योंकि आप जहां ट्रेड नहीं लेना चाहिए वहां ट्रेड लेके बहुत फंसते हैं। तो अगर आपको पता हो कि ट्रेड नहीं करना, जैसे आज फ्राइडे बहुत ही डल डे था, हमने ट्रेड नहीं लिया तो कैपिटल सेव की, एनी कैपिटल सेव इज कैपिटल अर्न, है ना, पैसा बचाया तो कल कमाने के लिए दोबारा उसको लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बाजार में पैसा बनाना है और एक्सपर्ट कमेंट्री के साथ में, एक्सपर्ट्स के साथ में आपको मेरे साथ बैठ के, अगर आपको मेरे भरोसा, आप समझते हैं मुझे पुराना फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा है मेरे लेवल्स कितने एक्यूरेट रहते हैं, मैं मार्केट को कैसे स्टडी करता हूं, लाइव मार्केट में एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। दुनिया भर के लोग मार्केट की पोस्ट मार्केट एनालिसिस जरूर करते हैं कि मार्केट इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, जूम मीटिंग होती है, लाइव डिस्कशंस होती हैं, आप वन टू वन फेस टू फेस बात कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपने स्टॉक्स पूछ सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन स्टॉक सब कुछ हम करते हैं सिर्फ लाइव इंट्राडे में, और ये बहुत मुश्किल है गाइस। और इस मुश्किल को मैं आपके लिए आसान कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप अकेले बैठकर ट्रेड करेंगे तो आप टेंशन का शिकार हो जाएंगे, आप इतनी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा ट्रेड कहां लेना है कहां नहीं लेना है। यहां पे आपको गिने चुने 4, 5 या 6 ट्रेड मिलने वाले, कभी स्कैल्पिंग होगी, कभी अगर ट्रेमेंडस एक्सपायरी हुई या कोई बहुत बढ़िया वोलेटाइल एक्सपायरी तो होता है 6 से 10 ट्रेड हमें मिले एक दिन में, वो कभी कभी होते हैं, अदरवाइज 3, 4, 5 ट्रेड मैक्सिमम होते हैं, जहां पे हर आदमी हर ट्रेड में कम से कम 1,000 से 2,000 रुपए बना सकता है। बाजार में गारंटी किसी चीज की नहीं है, कोशिश कर रहे हैं अपनी, जो मुझे आता है आपको अपनी सर्विसेज देने की कोशिश कर रहा हूं, पेड है, मेरे एफर्ट्स की फीस है। अगर आपको पसंद है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ट्रेडिंग में, और आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी सेफ एंड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। हैप्पी दिवाली।